11 नंबर पे इनका अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि वेरी हाई है हेल्थ रिस्क के लिए, ठीक है। और ये वाला जो इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर इस सेक्शन को देखो, पूरा एकदम से रेड दिखा रखा है। नेचुरल एक्टिविटी होती है एक्चुअली, और उसमें मतलब इतने रंग बिरंगी काइंड ऑफ मतलब एक ना जो आपको लाइट दिखती है रात के टाइम में, स्पेसिफिकली जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है पीएनपी बोलते हैं उसको, तो भाई उसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एंड देर इज नो सर्टेन डेट कि किस दिन इसको वापिस से रिज्यूम किया जाएगा। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज सैटरडे है और जैसे आप लोग को पता है आज के दिन पोलू जाता है अपने स्विमिंग लेसन्स के लिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग लेसन लेने के लिए। एंड गाइज, एक चीज़ आज हमने नोटिस किया है, सुबह से जब से हम सो के उठे हैं ना, तो तब से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे मतलब थोड़ा सा धुआं सा हो रहा हो। हालांकि जब कभी अगर ऐसा बिल्डिंग के अंदर कुछ अनफॉर्चुनेट होता है जिसकी वजह से मतलब कहीं पर थोड़ा बहुत जैसे फायर वगैरह हो जाती है, तो उसमें तो इमीजिएटली यहाँ पे ना फायर ब्रिगेड आ जाती है और फिर वो अपना काम कर लेती है। बट ये जो चीज़ हो रही है मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है अभी जैसे हम बाहर जा रहे हैं, तो देखेंगे कि बाहर कैसा भी मौसम हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली आज हम लोग का थोड़ा सा प्लान था कि हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, बट जैसे बाहर अभी जाते हैं देखते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ होगी, उसके बाद फिर आगे डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। तो चलो अभी चलते हैं फटाफट पहले पोलू के स्विमिंग लेसन के लिए। एंड गाइस, कल मीनाक्षी ने कपड़े वॉश किए थे तो उसमें अभी जैसे रात में जितना ड्राई हो सकते हैं ड्राई हो जाते हैं, तो अब ड्राई होने के बाद में मीनाक्षी ने सारे कलेक्ट कर लिए और इन सबको अभी लेके जा रही है अभी ये सारे अलमारी में लगाने के लिए। गाइस, जिसका अंदाजा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। देखो पूरा यहाँ पे एकदम से स्मोक हो रखा है, धुआं ही धुआं, या आसपास में जरूर कहीं जंगलों में आग लगी हुई है। और जैसे हवा बहुत तेज चल रही है ना, तो वो सारा धुआं उड़ करके यहीं पर ही आ रहा है इधर उधर। गाइस, जैसे मैंने बाहर आपको दिखाया कितना ज्यादा स्मोकी भी हो रहा है, देखो मैं आपको फोन पे भी दिखाता हूँ उसके बारे में क्या यहाँ पर एक तरीके से इन्होंने एडवाइजरी दे रखी है। ये देखो गाइस, यहाँ पे इन्होंने भी दिखा रखा है कि ना 11 नंबर पे इनका अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि वेरी हाई है हेल्थ रिस्क के लिए, ठीक है। और ये वाला जो इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर इस सेक्शन को देखो, पूरा एकदम से रेड दिखा रखा है। जनरली मतलब जो ये यहाँ पर इन्होंने 11 दिखाया ना अभी, ये यहाँ पर 2, 3 या मैक्सिमम मतलब 4 होता है जनरली, मतलब अगर बिल्कुल क्लियर वेदर हो तो 2 और 3 होता है। आज अभी 11 है, वेरी हाई हेल्थ रिस्क है और ये कंप्लीट रेड कर रखा है, जो मतलब यहाँ एडमिंटन की लोकेशन है पूरी रेड कर रखी है। और नीचे देखो यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में एक अलग से बोला है कि सीवियर वेदर मतलब एक अलर्ट इन इफेक्ट है। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसमें भी देखो यहाँ पे इन्होंने ना स्पेसिफिकली इसके बारे में पूरा दे रखा है कि ना जो वाइल्ड फायर स्मोक है वो नॉर्दर्न ईस्टर्न ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो वाइल्ड फायर हो रखी है ब्रिटिश कोलंबिया में उस वजह से, और अभी कह रहे हैं कि मतलब ये टाइम लगेगा इसमें कुछ कुछ एरिया में, तो जैसे अभी आज सैटरडे है तो संडे तक में होगा, कुछ में अभी मंडे ट्यूसडे तक होगा। जो वाइल्ड फायर का जो स्मोक है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हर किसी की हेल्थ के लिए, है ना। और जो स्पेशली जिनको लंग डिसीज है जैसे अस्थमा वगैरह हो गया और हार्ट डिसीज हो गई, और जो मतलब बड़े बूढ़े हैं या बच्चे हैं प्रेग्नेंट वुमेन हैं, तो उन लोगों के लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ये। इन्होंने स्पेशली एडवाइस कर रखा है कि भाई अपने आप को मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस स्मोक से दूर रखो, है ना। और अगर कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बाहर जाने की, तो अपने भाई जो आपका मेडिकल आपका एक तरीके से प्रैक्टिशनर है जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है उससे बात करके तब अपना आगे निकलना। तो गाइज मतलब इतनी हार्मफुल कंडीशन हो रखी है आज यहाँ, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा मन था आज बाहर घूमने जाने का बट इसकी वजह से वो भी नहीं हो पाया। एंड गाइज, कल यहाँ पर ना फ्राइडे की नाइट में एक बहुत नेचुरल मतलब एक तरीके से इंस्टेंस हुआ है, जो स्पेसिफिकली ना जो हमारी अर्थ के जो ऊपर वाले हिस्से पे जितनी कंट्रीज होती हैं जिसमें से कनाडा रशिया वगैरह हो गए फिनलैंड वगैरह, इनमें ही वो देखने को मिलता है। तो वो हुआ, उसको बोलते हैं एक तरीके से ना नॉर्दर्न लाइट्स, वो कनाडा के लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है और साल में मतलब ऐसा 1-2 बार ऐसे इंस्टेंस आते हैं जब वो नॉर्दर्न लाइट देखने को मिलता है। तो ये एक तरह की नेचुरल एक्टिविटी होती है एक्चुअली, और उसमें मतलब इतने रंग बिरंगी काइंड ऑफ मतलब एक ना जो आपको लाइट दिखती है रात के टाइम में, स्पेसिफिकली जब सनसेट हो जाता है तो उसके बाद में एकदम इतनी रंग बिरंगी लाइट दिखती है, एकदम पिंक रेड ना इस तरीके से मतलब उनका मिक्सचर टाइप का होता है, बहुत प्यारी लगती है। मैंने तो अभी तक फोटोज में ही देखा है, रात जिस टाइम ये हुआ मुझे पता नहीं था एक्चुअली, और आज भी मतलब उसकी प्रेडिक्शन है कि वो आज भी होगा और कल संडे में भी थोड़ी बहुत मतलब आपको दिखाई देगा। आज जैसे इतना बाहर स्मोक हो रहा है तो पता नहीं कि मतलब हम लोग जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, बट ये नाइट के टाइम में ही होगा। जैसे सनसेट आज लगभग होने वाला है 9:30 के आसपास रात में, तो उसके बाद ही ये चीज मतलब हम लोग देख सकते हैं। जनरली इसका जो इफेक्ट होता है वो लिमिटेड डिस्टेंस के लिए ही होता है कि भाई हाँ आप इस पर्टिकुलर जगह पे जाकर के ही इसको देख सकते हो, बट गाइज जो ये वाला अभी मतलब कल जो हुआ है ना, और जो शायद आज और कल के लिए भी अभी अब तक एक तरह से प्रेडिक्शन है, ये एक ऐसा है जो 11 ईयर्स में पहली बार मतलब इतना ज्यादा हुआ है कि
जिस जगह पे ये बहुत कम दिखता था या नहीं भी दिखता था, जो मतलब थोड़ा सा और नीचे की तरफ थे अर्थ में, तो उनको भी अभी ये दिख सकता है। मतलब इस तरीके से इतनी ज्यादा अब की बार इसकी पावर है। और एक तरीके से मतलब मेरे कुछ साथी बता रहे थे कि उन लोगों ने तो कल यहाँ एडमिंटन में डाउनटाउन में अपने घरों से बैठ करके ही देखा, जो थोड़ा सा मतलब कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ बालकनी से मतलब वो नॉर्दर्न साइड को देख सकते हैं, तो उन लोगों ने देखा। हमारे पास में तो एक ही साइड है देखने की, तो शायद हम अपने यहाँ फ्लोर से पता नहीं देख पाएंगे, रात में नहीं देख पाएंगे। बट हाँ, अगर मतलब पॉसिबल हुआ तो रात में थोड़ा सा मतलब इतना ठीक नहीं होता है कि बाहर जाना, बट फिर भी अगर मतलब दिखा कि थोड़ा क्राउड है, लोग जा रहे आ रहे हैं, तो शायद हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि नहीं तो ये आज भी हम लोगों से स्किप होने वाला है, ये जो नॉर्दर्न लाइट्स का है, तो रात में ही होगा 9:30-10 बजे के आसपास में। उसके बाद में शायद हो सकता है कि हम लोग किस तरीके से बना पाए। एक तो मतलब ये रात में हो रहा है, उस टाइम मतलब काफी कम लोग होते हैं बाहर, वो भी एक रीजन हो गया। और दूसरा रीजन ये कि बाहर इतना ज्यादा स्मोक हो रहा है, ठीक है, तो पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे, बट विल ट्राई आर बेस्ट कि मतलब अगर हम वहाँ जा पाए और आप लोग को भी थोड़ा बहुत दिखा पाए उसमें कि कैसे मतलब चीजें हो रही हैं, तो बिल्कुल हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। एंड गाइस, जैसे हम लोग यहाँ अल्बर्टा में रह रहे हैं ना, तो मैंने एक बार आप लोग के साथ में डिस्कस किया था कि यहाँ कनाडा में लोग जो इमिग्रेंट होते हैं, जो बाहर से आते हैं और यहाँ पे आके रहना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग मतलब टेम्परेरी वीजा पे आते हैं, कुछ परमानेंट वीजा पे भी आते हैं, जिसको मतलब यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी बोला जाता है। तो जैसे कनाडा के अंदर मल्टीपल यहाँ पे प्रोविंसेस हैं, जिसको हम लोग इंडिया में स्टेट भी बोलते हैं, तो वैसे मतलब वो सारी के सारी में से कुछ एक ऐसी हैं जो अपने स्टेट से मतलब नॉमिनेशन भी देती हैं। नॉमिनेशन मतलब परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्या एक होता है, जैसे परमानेंट रेजिडेंसी एक स्कोर बेस्ड सिस्टम होता है कि आपके मतलब इतना अगर स्कोर हो गया, जैसे आज की डेट में 540 के अप्रोक्स मतलब स्कोर चल रहा है, कि किसी का अगर इतना स्कोर हुआ तो ही मतलब वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आगे अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं जो उस स्कोरिंग को मतलब मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं, तो वो सब चीजें हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो अगर उस जो रेंज है, जो कट ऑफ है, उससे नीचे नीचे है, तो वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाते। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि जो यहाँ पे प्रोविंस है वो नॉमिनेशन देती है कि ठीक है भाई, ये बंदा मेरे स्टेट में काम करने के लिए एलिजिबल है और ये यहाँ रह के अगर काम करने के लिए रेडी है कंटिन्यूसली, तो हम उसको नॉमिनेशन देंगे और हम कुछ अपनी तरफ से पॉइंट देंगे, जो उसको शायद हो सकता है कि उसके करंट पॉइंट से और उसमें एक्यूमुलेट होकर के जुड़ करके वो आगे मतलब उसको फर्दर जो आज 540 या फिर 550 का कट ऑफ चल रहा है उससे ऊपर ले जाए और उसको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए। तो ऐसे होता है, उसके 600 पॉइंट मिलते हैं गाइज अगर किसी प्रोविंस ने आपको नॉमिनेट कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि लोग ना मतलब जिनके नंबर कम थे वो एक तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए वो ऐसी प्रोविंस को चुनते थे कि जहां पर इस तरह का नॉमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, और वहां पर एकदम से मतलब बहुत ज्यादा फ्लो बढ़ना स्टार्ट हो जाता था लोगों का, और वहां पर उन जो प्रोविंस थी उनको मतलब मैनेज करना मुश्किल हो जाता था कि कैसे भाई इनको मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन और घर वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करें, तो वो थोड़ा मुश्किल होता था। एक एक करके ना मतलब हर एक जो प्रोविंस है वो कुछ ना कुछ अपने यहाँ पर एक तरीके की लिमिटेशन या जो स्ट्रिक्टनेस है वो मतलब करने लगती थी, जिससे कि लोग फिर वहां से हटना स्टार्ट कर देते थे। तो अभी अल्बर्टा में लास्ट ईयर तक भी ये प्रोग्राम अवेलेबल था कि अगर कोई यहाँ पर रह रहा है, वो काम कर रहा है यहाँ पर, उसको यहाँ पे कोई जॉब मिली हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ पर अगर अप्लाई करता था नॉमिनेशन के लिए उसको नॉमिनेशन मिल जाता था। तो उसकी वजह से लोगों ने क्या किया कि दूसरे जो प्रोविंस थी जहां पर ये नॉमिनेशन का प्रोग्राम अवेलेबल नहीं था और कोई कट ऑफ की रेंज से नीचे था, उन लोगों ने यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिया अल्बर्टा के अंदर। और भाई इतने ज्यादा लोग मतलब यहाँ पर अदर अदर प्रोविंस से भी आ गए केवल इसलिए कि भाई मेरे किस तरीके से पॉइंट्स मिल जाए, नॉमिनेशन हो जाए और मुझको फिर यहाँ की जो परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए। तो यहाँ अल्बर्टा में भी सेम उसी तरीके के चैलेंजेस आने स्टार्ट हो गए जो दूसरी मतलब अदर प्रोविंस ने देखे हैं। और भाई यहाँ पे घरों के रेंट जो है एकदम से स्पाइक करना स्टार्ट हो गए, जो कभी मतलब एक तरीके से यहाँ पे सिंगल रूम 1100-1200 में मिल जाता था वो आज की डेट में 1300-1500 तक के भी मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आ गए और उनके लिए मतलब यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है सारी, तो ऐसी चीजें होने लगी। और अल्बर्टा ने वो सारे चैलेंज देख करके इन्होंने भी भाई मतलब इस साल में पहले तो स्टार्टिंग के कुछ दिन अपना पूरा एकदम से ब्लॉक रखा, और फिर बाद में इन्होंने मतलब बोल दिया कि भाई जिस किसी की भी 1 जनवरी 2024 से फाइल आई हुई है यहाँ पर एक तरीके से अल्बर्टा की नॉमिनेशन के लिए पीएनपी की, जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है पीएनपी बोलते हैं उसको, तो भाई उसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एंड देर इज नो सर्टेन डेट कि किस दिन इसको वापस से रिज्यूम किया जाएगा। उन्होंने एक अनसर्टेन डेट के लिए मतलब वो ब्लॉक लगा दिया, अभी हम पर्टिकुलर पीएनपी वाले प्रोग्राम पे काम नहीं कर रहे हैं।
तो गाइज मतलब ये एक चीज मैंने यहाँ ऐसी नोटिस की है जो मैंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू या और यहाँ पे न्यूज में मतलब मैंने सुनी, तो मुझे लगा कि मतलब मैं इस व्लॉग के थ्रू आप लोग को भी बता सकूं। शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज करने के लिए कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हो, या फिर किसी आपके मतलब कलीग ने या फिर आपके फ्रेंड ने कभी ऐसे बताया हो कि हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो इसका अभी जो करंट स्टेटस है वो ये है, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं अपने व्लॉग में इस चीज को भी इंक्लूड करूं जिससे कि आप लोग को मतलब इस इन्फॉर्मेशन से हेल्प हो सके। तो गाइज अभी तो हम लोग मतलब थोड़ा वेट करेंगे कि शाम तक का कि कुछ यहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव होती है और जो नॉर्दर्न लाइट है उसको मतलब हम लोग का देखने का कुछ बन सकता है नहीं बन सकता है, तो जैसे भी होता है हम आप लोग को अपडेट करते हैं। गाइज मैं और मीनाक्षी भी आए थे नीचे ये देखने के लिए कि भाई रात के 12 बज गए हैं कि क्या यहाँ हमें डाउनटाउन से दिख सकता है नॉर्दर्न लाइट से नहीं, क्योंकि अभी बता रहे हैं कि जो वो इफेक्ट है ना वो सैटरडे और संडे भी रहने वाला है। तो हालांकि जो फ्राइडे था उससे कुछ कम हो गया है, बट फिर भी उम्मीद थी अभी जैसे ना मतलब स्मोकी तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, हम कहीं दूर तो नहीं जा पाए तो यहाँ नीचे आए देखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ अभी भी नहीं दिखा। देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखो गाइस रात के अभी 12:10 हो गए हैं, यहाँ पर संडे स्टार्ट हो गया है और ये वाली साइड हमारे लिए यहाँ पर अभी नॉर्थ साइड है। एक्चुअल में इस साइड में हम लोग को दिखना था, हम लोग को अभी 5 मिनट से ज़्यादा हो गए, हम लोग वेट कर रहे थे कि शायद कुछ दिखे बट नहीं दिख रहा है अभी गाइस। तो अभी लगता नहीं कि हम लोग को ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगाना चाहिए, तो हम लोग अभी चलेंगे अंदर। एंड गाइज इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, टेक केयर।